चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए हमारे आईटी गुरु एजुकेशन की दुनिया से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आईटी गुरु। माय सेल्फ चूम, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा यूट्यूब की नोटिफिकेशन सेटिंग के बारे में। अब नोटिफिकेशन क्या होती है कि मान लीजिए कि आपने कोई चेंजेस किया यूट्यूब पे, या फिर यूट्यूब आपको कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो वो भैया एक नोटिफिकेशन हुआ, चाहे वो आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड हो, या आपको दोस्तों नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड हो, या आपको आपके यूट्यूब चैनल में ही आपको दोस्तों नोटिफिकेशन में प्रोवाइड हो। तो ये सभी नोटिफिकेशन जो होती हैं, हम कैसे कंट्रोल करेंगे और कैसे एक अच्छे तरीके से हम दोस्तों नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं, तो इन्हीं सब बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया मैं YouTube पे वीडियोस अपलोड करना है, YouTube स्टूडियो के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा हूं। देखिए, बात तो मैं तुरंत कर सकता हूं, यानी तुरंत मैं उस सभी चीजों की ट्यूटोरियल बना सकता हूं, लेकिन हमें दोस्तों एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए लॉन्ग टर्म अगर हमने अपना यूट्यूब चैनल चलाना है, सभी चीज़ों से बचाना है, तो भैया हमें उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो कवर करनी बहुत ज़रूरी है, वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम वो चीज़ नहीं जान पाए तो आगे हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आएंगी। सपोज ही अगर स्ट्राइक आया या फिर आपको कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस आई, तो उन सभी चीज़ों पे हम दोस्तों कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे जब सेटिंग्स के बारे में नहीं पता है, हमें प्राइवेसी के बारे में नहीं पता है, तो हम उन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सब बारे में बात करूंगा, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दोस्तों अपना YouTube चैनल है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ मुझे जाना है। ओके, और सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाने के बाद हमें मिलता है नोटिफिकेशन सेटिंग का। सीधे हम यहाँ पे आएंगे तो अब यहाँ पे ये पैनल जो है वो नोटिफिकेशन का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है चूज व्हेन एंड हाउ टू बी नोटिफाई, यानी कब और कैसे हमें नोटिफाई किया जाए यूट्यूब की तरफ से या गूगल की तरफ से, कैसे नोटिफाई किया जाए। तो यहाँ पे है दोस्तों, पहला है जनरल सेटिंग्स का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है वो है डेस्कटॉप नोटिफिकेशन। ओके, गेट नोटिफिकेशन इन द ब्राउजर, तो यहाँ पे क्रोम जो है हमारा वो लिस्टेड है। यानी कि अगर मैं डेस्कटॉप पे ब्राउजिंग कर रहा हूँ और अगर मान लीजिए किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया, तो उसकी नोटिफिकेशन हम चाहते हैं कि मैं सपोज़ कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, अभी क्रोम जो है वो मैंने खोल के नहीं रखा है, लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ, तो चाहे मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं कंप्यूटर में किसी और अदर सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा हूँ, यानी काम करते वक्त आपको साइड में दोस्तों एक नोटिफिकेशन मिलेगा, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया किसी ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया है या यूट्यूब ने दोस्तों ये एक नोटिफिकेशन जो है वो हमें दिया है। ओके, फिर है दोस्तों हमारे पास योर प्रेफरेंसेस का। ठीक है, जो हम प्रेफर करेंगे यहां पे सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो नोटिफाई मी अबाउट एक्टिविटी फ्रॉम द चैनल्स आई एम सब्सक्राइब टू। अगर मान लीजिए आपने किसी का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसके थ्रू कोई नोटिफिकेशन आए या ना आए, अगर आप इसको टॉगल कर देते हैं, ऑन ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर देंगे, तो जितने भी आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ओके, अगर आप यस कर देते हैं तो जितने भी चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं अपने चैनल के थ्रू, वो सभी नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन पैनल में मिलेंगी। ओके, उसके बाद है रिकमेंडेड वीडियोस। ओके, नोटिफाई मी ऑफ वीडियोस आई माइट लाइक बेस्ड ऑन व्हाट आई वॉच, यानी सपोज कि आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आप टेक्नोलॉजी की वीडियो देखते हो, तो क्या अदर लोगों की जो वीडियोज़ हैं वो सजेस्ट करे यूट्यूब या ना करे, ठीक है, रिकमेंड करे या ना करे, तो अगर आपने नो कर दिया तो यानी आप जो आपका जो वॉच बेस्ड है, यानी आपने जिस तरीके की वीडियो आप पसंद करते हैं यूट्यूब पे देखने के लिए, तो यूट्यूब ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट नहीं करेगा। यानी दो अदर लोगों की वीडियोज़ हैं, सिमिलर वीडियोज़ हैं, सपोज़ कि आप टेक्नोलॉजी के फ़ैन हो या फिल्मिंग जो है वो आप करते हो, आप सपोज़ कि एक फिल्म का चैनल देखते हो, तो आप चाहते हो कि भैया आगे जो यूट्यूब है वो हमें इसी तरह के वीडियोज प्रोवाइड करता रहे, तो आपको दोस्तों ये ऑप्शन हमेशा इनेबल रखना होगा, तभी आपके जो वॉच हिस्ट्री है, ठीक है, आपके इंटरेस्ट बेस के अकॉर्डिंग यूट्यूब आपको सजेस्ट करेगा। ओके, नई नई वीडियोज यानी नए नए चैनल्स की। फिर एक्टिविटी ऑन माई चैनल, नोटिफाई मी अबाउट कमेंट्स एंड अदर एक्टिविटी ऑन माई चैनल और वीडियोज, यानी अगर आपके चैनल और वीडियोज पे आप चाहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है, कोई कमेंट आए, कोई लाइक आए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले या ना मिले, तो सिंपली इसको ऑन कर देना है। फिर यहाँ पे एक्टिविटी ऑन माई कमेंट्स, ठीक है, नोटिफाई मी अबाउट एक्टिविटी ऑन माई कमेंट्स ऑन अदर्स वीडियोज, यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी की वीडियोज पे, ठीक है, अगर मैंने कमेंट किया है तो उसके अंदर कोई एक्टिविटी होती है तो उसकी नोटिफिकेशन हमें प्रोवाइड हो या ना हो, तो इसको भी हमें ऑन रखना है, ताकि जब भी हम किसी दूसरे के चैनल पे
मीन्स हम जब किसी दूसरे के चैनल पे हम दोस्तों रहेंगे और वहाँ पे अगर हम कमेंट करते हैं वीडियोस में, सपोज हम हेल्प मांग रहे हैं किसी से, या वो बंदा अगर आपको उस मेल पे रिप्लाई करता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ओके, फिर यहाँ पर रिप्लाइज टू माई कमेंट्स, नोटिफाई मी अबाउट रिप्लाइज टू माई कमेंट्स, यानी आपने जो कमेंट्स किए हैं उन पर जितने रिप्लाइज आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी वीडियोज पे अदर वीडियोज पे हैं, तो उनका आपको नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, तो यहाँ पे भी वो चीज़ें कर सकते हो। मेंशंस, नोटिफाई मी व्हेन अदर्स मेंशन माय चैनल, यानी आपके चैनल को जब कोई बंदा अपनी वीडियोस में मेंशन करता है या फिर कमेंट्स में मेंशन करता है, ठीक है, या फिर कम्युनिटी में मेंशन करता है, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिले या ना मिले, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ऑन रखना है। ओके, एक्टिविटी ऑन अदर चैनल, नोटिफाई मी ओकेशनली व्हेन माय कंटेंट इज शेयर्ड ऑन अदर चैनल, ठीक है, अगर आपका कंटेंट जो है वो किसी अदर चैनल पे शेयर किया जा रहा है तो उसका कभी कभार आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिले या ना मिले, तो इसका भी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, अगर आप सबसे नीचे आओ तो यहाँ पे है ईमेल नोटिफिकेशन, ये दोस्तों क्या है, देखिए परमिशंस, तो अभी हमें ईमेल नोटिफिकेशन के लिए परमिशन जो है वो ग्रांट करनी है, ठीक है, तो यहाँ है सेंड मी ईमेल अबाउट माय यूट्यूब एक्टिविटी एंड अपडेट्स आई रिक्वेस्टेड, इस ऑप्शन को आपको हमेशा ऑन करना है, ठीक है, हमेशा आपको इसको ऑन करना है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने YouTube पे कोई चेंजेस किया या फिर आपको YouTube कोई सुझाव देना चाहता है, Google की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आता है, तो उसका दोस्तों डायरेक्ट आपका नोटिफिकेशन आपके मेल में जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ज़रूर ऑन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो आपकी रीसेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके चैनल पे, आपका चैनल बूस्ट कितना हो रहा है, आपके चैनल पे लास्ट 28 डेज में कितने व्यूवर्स आए, इन सभी की नोटिफिकेशन आपको आपके मेल पे मिलेगी, तो इस ऑप्शन को हमें हमेशा ऑन कर रखना है, ठीक है, ये नहीं कि हमने इसको ऑफ करके छोड़ दिया, अगर आप ऑफ कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास योर प्रेफरेंसेस, सब्सक्रिप्शन, जनरल प्रोडक्ट्स, योर यूट्यूब चैनल अपडेट, तो सब्सक्रिप्शन जो है नोटिफाई मी अबाउट एक्टिविटी फ्रॉम द चैनल्स आई एम सब्सक्राइब टू, ठीक है, सेम ऊपर वाला ही है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ों अगर आप ऑन करना चाहते हो ये सभी मेल पे डिपेंड करती है, यानी अभी जब मैंने ऊपर वाली चीज़ों के बारे में आपको बताया तो ये सभी चीज़ें आपके यूट्यूब पे अप्लाई हो रही थी, ठीक है, कि आपका जो यूट्यूब का नोटिफिकेशन होता है ये, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन देख रहे हो, ये सभी नोटिफिकेशन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन का पूरा पैनल होता है, यहीं पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे ये जो हम चेंजेस करेंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ अप्लाई होंगे, ठीक है, यानी इस ऑप्शन के अंतर्गत अप्लाई होंगे। ओके, और अगर हम दोस्तों यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन में आते हैं तो हम ईमेल के थ्रू क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कर देंगे तो जो भी एक्टिविटी होगी, यानी अदर्स जो चैनल हैं, ठीक है, हमारे जो अदर यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, उनको मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनकी नोटिस, जैसे उन्होंने कोई नई वीडियो अपलोड की, जैसे आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर रखा है और अगर इस ऑप्शन को आपने इनेबल कर रखा है, ठीक है, आपके अपने यूट्यूब अकाउंट से, तो मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मेल के थ्रू मिलेगी, ठीक है, यानी आप मेल के थ्रू आप पता कर पाएंगे कि मैंने नई वीडियो अपलोड की या नहीं, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इससे क्या होता है कि बहुत सारा कचरा भर जाता है आपके मेल में जो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कोई ज़रूरत भी नहीं है इन सब चीज़ों की, तो ये कचरा आप मत भरिए, ये हमेशा ऑफ रखिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो आप टॉगल कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जनरल प्रोडक्ट्स अपडेट, अनाउंसमेंट एंड रिकमेंडेशन, यानी जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स हैं और जो रिकमेंड करना चाहता है YouTube या Google, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले या ना मिले तो वो आप ऑन कर सकते हैं। योर YouTube चैनल अपडेट्स, अनाउंसमेंट एंड पर्सनलाइजेशन टिप्स, तो यहाँ पे YouTube चैनल से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, यानी पर्सनलाइजेशन अगर कोई चेंजेस हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको अनाउंसमेंट नई नई है, तो वो सभी चीज़ों की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। लैंग्वेज जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो किस लैंग्वेज में आपको नोटिफाई किया जाए, बाय ईमेल। ओके, तो बाय ईमेल अगर आप चाहते हो कि भैया हिंदी में किया जाए तो हिंदी आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश में आप कर सकते हो। ओके, तो ये था नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो, तो इन सभी चीज़ों पर आप दोस्तों ध्यान दो, क्योंकि ये सभी चीज़ें और हैं, ठीक है, जितना आप इनको इजीली समझ लोगे आपको आगे बहुत ही आसानी होगी YouTube को एक्सेस करने में। ठीक है दोस्तों, हम अगली वीडियो में प्लेबैक एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और नोटिफिकेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।